हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के ब्लॉग में। और गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो यहीं से स्टार्ट होता है। और भाई, अभी जो है तुम्हारा भाई फ्रेश होके उठ के एकदम रेडी है। और भाई, आज है डे 26, तो 26वां दिन है अपनी 100 डेज ऑफ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का। और भाई, जैसा कि आप मेरे को टी शर्ट्स में देख रहे हो, तो ये समझ जाओ कि थोड़ी जो है सर्दी कम हो गई है। तो भाई, फिलहाल जो है आज है संडे, और आज के ब्लॉग में आप यही देखोगे। एक तो जिम की छुट्टी है, तो आज जिम का सीन नहीं रहेगा, बट अपन चलेंगे। आज डांस डे है, तो डांस करेंगे, एकेडमी में चल के प्रैक्टिस करेंगे, हो सका तो कुछ रील्स वगैरह बनाएंगे। और इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो मैं मील्स ले रहा हूँ सुबह से लेकर रात तक, वो सारी आप देखोगे। सो भाई, फिलहाल जो है चलते हैं नीचे। उससे पहले मैं आपको मिलाता हूँ लड्डू से। तो लड्डू जो है अभी यहीं पर आया हुआ है। देखो भाई, ये बैठ के देख रहा है टीवी, और बैकग्राउंड में इसी की आवाज आती है, शॉर्ट्स वगैरह देख रहा है ये स्पाइडरमैन के। अच्छा बाबू, पहले हेलो बोल दो। हेलो गाइस, स्पाइडी। हाँ ठीक है, पहले हेलो गाइस तो बोल दो, नहीं तो बंद कर दूंगा मैं स्पाइडी। जल्दी बोलो, नहीं तो बंद कर रहा हूँ। देख रहे भाई, मतलब इसको ब्लैकमेल करके हेलो बुलवाना पड़ता है। तो चलते हैं फिलहाल नीचे। चलो भाई, चलो चलो लड्डू, अब नीचे चल रहे बाबू खाना खाने। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, चलो चलो A few moments later. खाने में जो है सबसे पहले मैं ले रहा हूँ भाई ये ड्राई फ्रूट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैट लॉस में और मसल बिल्डिंग में और भाई बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में। तो अभी जो है मैं ले रहा हूँ तकरीबन 12 के आसपास बादाम है, साथ में अखरोट और थोड़े से काजू और दो छुहारे। सो गाइज, ये आ गया भाई अपना लंच। और लंच में मैं क्या ले रहा हूँ, दो रोटी है और साथ में फिश तकरीबन 150 से 200 ग्राम, जिससे अपने को तकरीबन 35 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। सो भाई, ये खाते हैं, उसके बाद पियेंगे जूस। तो अभी जब भाई खाना वाना अपना हो गया है, और खाना खाने के बाद मैंने जूस पी लिया था, और उसके बाद पी लिया था क्रिएटिन। तो अभी जो है यार, एक तो इसको ना मैं सोच रहा हूँ पहले शिफ्ट कर दूँ इधर, बेड को हटा ही देते हैं, उस वाले कमरे में डालते हैं, यहाँ डालते हैं सोफा। सेटअप कर दिया है मैंने चेंज, तो भाई इधर डाल दिया है अब सोफा, और जो इधर चेयर थी वो डाल दी है यहाँ पे, और जो बेड था अपना वो सामने, और टैडी भी भाई ऊपर ही बैठा हुआ है जैसे यहाँ बैठा हुआ था। सो भाई, अभी जो है अब जो है स्पेस जो है अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगा। तो अगर कुछ वीडियो वगैरह बनानी है तो अपने पास स्पेस हो गया बहुत बढ़िया। और ये कपड़े उपड़े फैले रहते थे, तो अब इसको इस पर फेंक देंगे। सो भाई, कुल मिला के जो है ये तो हो गया काम। अभी जो है इसको करते हैं अनबॉक्स, और चेक करता हूँ मैं इसको पहन के जो ट्रैक सूट था। चेक करके देखते हैं भाई इसकी फिटिंग वगैरह जो है कैसी है। सो इस ट्रैक सूट में एक तो ये आता है अपना ट्रैक पैंट, ये रहा भाई ये एंड ये, और इसके साथ में है ये जैकेट। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये भी भाई उतना ही लंबा होगा जितना पिछला था। तो देखते हैं, पहन के चेक करते हैं। एंड गाइज, दिस इज हाउ इट लुक्स। तो भाई ये कुछ ऐसा दिखता है, और भाई वही सेम प्रॉब्लम आ रही है इसमें भी, इसकी लेंथ जो है ना इतनी ज़्यादा है कि भाई ऐसा लग रहा है मैं इसमें डूब गया हूँ। ये देखो यार, इतना ज़्यादा लंबा है, और इसमें थोड़ा ना मज़ा भी नहीं आ रहा, थोड़ा फीका फीका सा लग रहा है। इससे पहला वाला जो ट्रैक सूट था बेशक फिट से नहीं था, लेकिन भाई लुक उसका काफ़ी अच्छा था। बस यही रीज़न था कि वो ब्लैक था, और ब्लैक मेरे पास ऑलरेडी है एडिडास का। सो देखते हैं भाई, इसको भी अब कोई और नया ऑप्शन देखना पड़ेगा, और इसको भी चेंज करते हैं। सो ये है भाई इसका कंप्लीट लुक। और भाई कमेंट्स में बताना जरूर कितना गंदा लग रहा है, ठीक है, रेटिंग देना गंदे में।
तो भाई बेशक जो है आज जिम नहीं गए बट प्रोटीन तो लेना ही पड़ेगा। तो भाई आज जो है मैं एक स्कूप प्रोटीन ले रहा हूँ और भाई मैं यूज करता हूँ मसल ब्लेज का बायोजाइन वे परफॉर्मेंस। और ये रहा भाई, एक स्कूप डाल लिया मैंने तो इसको जो है पी के, और सैलेड हो गया अपना पैक, तो सैलेड में ले चल रहा हूँ अकेडमी और वहीं पे सैलेड खाएंगे। टाइम हो चुका है भाई 7:30 और अभी जस्ट मैं जो है स्टूडियो के नीचे ही हूँ। और भाई इतना लेट इसलिए हो गया, वैसे तो मैं 5 बजे के आसपास ही आने वाला था बट भाई कैलाश को अपने कुछ पर्सनल काम थे जिसके चक्कर में जो है सीन अपना हो गया डिले। कुल मिला के जो है भाई अपने को अपनी डाइट नहीं छोड़नी और भाई ये खा रहा हूँ मैं अभी सैलेड, उसके बाद करते हैं प्रैक्टिस स्टार्ट। सो भाई अभी जो है रील्स वगैरह हमने बना ली और भाई 3-4 रील्स बनाई है जो कि ट्रेंडिंग गाने पे अभी चल रही है। तो भाई उसको देखने के लिए आपको नीचे जो है इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है मैंने, उस पर क्लिक करो, जाओ वहाँ पे रील्स देखो और भाई फॉलो भी करना और लाइक भी करना, सब कुछ करना। सो फिलहाल जो है भाई अपना रील्स तो हो चुका है ख़त्म, अब उसको एडिट वेडिट करके फिर उसको अपलोड करेंगे। सो भाई मज़ा आ गया, बस काफ़ी दिनों बाद डांस किया आज। 1 hour later वीडियोस जो भी हमने बनाई थी वो सारी भाई एडिट कर ली है और अभी जो है स्टूडियो से निकल चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ घर। और भाई रास्ते में जो है सूप पकड़ना है बस डिनर के लिए। मैं पहुँच चुका हूँ घर और भाई घर पहुँचते ही है जो मैं डिनर ले रहा हूँ। और भाई ये जो आपको इतना हैवी दिख रहा है एक्चुअल में ये इतना हैवी है नहीं। तो भाई डिनर में क्या ले रहा हूँ मैं, तकरीबन 100 ग्राम के आसपास है फिश, और उसके बाद जो है भाई चिकन सूप जो कि मैं अभी लेके आया था जस्ट, और भाई थोड़े से ले रहा हूँ बिल्कुल चावल, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत कम ले रहा हूँ मैं। साथ में है 1 रोटी और तकरीबन 3 अंडे जिसमें से 2 येलो पार्ट ले रखा है, 1 निकाल रखा है। तो कुल मिला के भाई ये हाई प्रोटीन मील है और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है इसमें, ये सारा प्रोटीन है। सो भाई अभी जो है अपना खाना वाना हो गया है सब कुछ और बस सोने से पहले तो भाई ये 2 सप्लीमेंट्स है जो मैं लेने वाला हूँ, जिसमें से एक है मल्टीविटामिन और एक है भाई फिश ऑयल, तो दोनों ही मसल ब्लेज के हैं। सो गाइस इसी के साथ जो है व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अगर भाई आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो पहली बार ये व्लॉग देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबा देना और उसके बगल में घंटे का आइकन होगा उसको भी नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना। सो गाइस आज का डे जो है यहीं पर ख़त्म होता है और भाई मैं मिलता हूँ आपसे कल सुबह, तब तक के लिए बाय।